आप इस समय अयोध्या में मौजूद हैं और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि भूमि पूजन का काम सफल हो चुका है। शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन सफल हुआ है। इतने साल से जिस चीज का इंतजार हम कर रहे थे, वो सपना हम लोगों का पूरा हो चुका है। जनार्दन जी, अयोध्या में इस समय कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? अयोध्या में गली गली चौराहे चौराहे पे तोरण द्वार बनाए गए हैं और झंडे लगाए गए हैं, भगवा ध्वज लहराया जा रहा है। यहाँ के युवाओं में खासकर देश जोश है और शाम को दीपदान का भी कार्यक्रम होगा और दीपक भी जलेंगे। हम लोग इसके सहभागी बनेंगे। वो गौरव का क्षण 518 वर्षों बाद हम लोगों को प्राप्त हुआ है, तो हमारी अयोध्या, हमारे अयोध्या के लोग पूरा आनंद में इस समय है और सब लोग हम लोग और लगे हुए हैं। मंदिरों को सजाया गया है, झालरें लगाई गई है और हम लोग बहुत खुशी से इस 5 अगस्त के कार्यक्रम को मना रहे हैं। केवल विरोध हमारा इकबाल अंसारी को बुलाने तक का था, बाकी राम जन्मभूमि से हम लोग 518 वर्षों से जुड़े हैं। हमारे पुरखों का जो सपना था वो आज पूरा हुआ है। इसके लिए मैं प्रभु राम को धन्यवाद देता हूँ और खास करके न्यूज को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने हमें उनके वंशजों को खोज करके चैनल पे आने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। आप सबको धन्यवाद। मोहित दास जी, मैं आपके पास आऊंगी। अभी आप बता रहे थे चित्रकूट में हैं आप और राम जी से काफी कुछ जुड़ाव है चित्रकूट का, तो आजकल हमारे दर्शकों को इतना ज्यादा जो अतीत है उसके बारे में पता नहीं होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राम जी का चित्रकूट से कुछ कनेक्शन हो उसके बारे में आप हमें बताइए, कुछ ऐसी पौराणिक कथा बताइए। राम जी का चित्रकूट से बहुत बड़ा ही संबंध है, बहुत बड़ा स्नेह है, यहाँ तक कि अयोध्या से भी ज्यादा स्नेह है, क्योंकि इसका साक्षात जीता जागता प्रमाण है कि तुलसीदास जी सभी तीर्थों में गए। कहते हैं 12 साल बनारस में रहे, 12 साल अयोध्या रहे, 12 साल मथुरा वृंदावन में भी रहे, लेकिन उन्हें भगवान का दर्शन तो कहीं नहीं हुआ। और हनुमान जी ने जब बनारस में कहा बाबा तुम चित्रकूट जाओ, क्योंकि भगवान कलयुग में चित्रकूट में 24 घंटे वास करते हैं, तो जब तुलसीदास जी चित्रकूट आए तो उनको केवल 6 महीने में भगवान श्री राम जी का दर्शन हो गया था। और भगवान को जब वनवास हुआ था तो चित्रकूट रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि चित्रकूट सब दिन बसे प्रभु सिया लखन समेत, चित्रकूट में भगवान 24 घंटे वास करते हैं, ऐसा तुलसीदास जी अपनी रामायण के उसे अपना जानकारी दे रहे हैं। और जब भगवान के ऊपर भी विपत्ति आई तो चित्रकूट आए, राजा नील के ऊपर भी विपत्ति आई तो चित्रकूट आए, तो चित्रकूट चित्त को हर लेता है। जब भगवान चित्रकूट आए तो भगवान चित्रकूट में 11.5 साल तक रुके, 1-2 दिन नहीं, 11.5 वर्ष तक, और यहाँ वो उनको सबसे ज्यादा जो सुख मिला है वो चित्रकूट मिला है। और भगवान चित्रकूट में संत कहते हैं आज भी यहाँ कणकण में वास है भगवान चित्रकूट का। चित्रकूट तो भगवान जब लंका विजय करके भी लौटे तो सबसे पहले वो चित्रकूट उतरे अपने पुष्पक विमान से, उन्होंने यहाँ पर मंदाकिनी में दीप प्रज्वलित किया, जो आज फिर से पुनः दीपावली मनाई जा रही है हमारे चित्रकूट में। 21,000 से भी ज्यादा दीपक चित्रकूट अभी शाम को 6 बजे के बाद जगमगाएगा पूरा चित्रकूट। तो चित्रकूट में तुलसी, आज हमको ये लगा कि आज जो भगवान का शिलान्यास हो रहा है, हमें आज पूरा आभास हो रहा है कि हमारे चित्रकूट से भगवान आज फिर जा रहे हैं राजा राम बनने के लिए। तो चित्रकूट से भगवान का बड़ा अस्तित्व है, भगवान चित्रकूट में रहे हैं और सबसे ज्यादा चित्रकूट भगवान चित्रकूट में उनको सुख मिला है। भरत जी भी आए चित्रकूट मनाने के लिए आए, लेकिन राम जी ने कह दिया कि प्राण जाए पर वचन न जाए, बिल्कुल रेत सदा चली जाए, मैं चित्रकूट में ही रहूंगा, मैं जब मेरा 14 वर्ष का वनवास पूरा हो जाएगा तब मैं अयोध्या आऊंगा, वहीं पर मेरा राज्याभिषेक होगा। तो आज भरत जी तो नहीं ले जा पाए, लेकिन आज भगवान भी चित्रकूट से आज जा रहे हैं राजा राम बनने के लिए। और आपके के न्यूज के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं दिन भर से कि बहुत ही सुंदर सजावट है अयोध्या में और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। तो चित्रकूट से सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं और चित्रकूट के घाट से मुझे सौभाग्य मिला है कि आपके चैनल में आज चित्रकूट के राम घाट से मैं आप सभी लोगों से जुड़ा हुआ हूं और चित्रकूट में तुलसीदास जी महाराज का भी ये प्राचीन स्थान है। जी मोहित जी, दीपक त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगी। इतने दिनों से जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे, भूमि पूजन हो चुका है, अब राम मंदिर का निर्माण होगा, खुशी जो है लोगों के दिलों में, लोग बहुत खुश हैं, क्या कहेंगे?
लोगों के दिलों में जो खुशी है उसको वो लोग व्यक्त कर रहे हैं। आज शाम को रामपणी पर दीपोत्सव और सभी घरों में दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाने की तैयारी चल रही है। बताया जैसे मैंने झालरों से सजाया गया है, मार्केट को सजाया गया है, जगह जगह आप चौराहे पे देखेंगे तोरण द्वार लगाए गए हैं, गेट बनाए गए हैं और लोगों में आनंद का माहौल है। हम लोग इस खुशी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सुबह से ही आपके चैनल पर एक एक गली मोहल्ले और एक सब जगह की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। धन्यवाद है के न्यूज को कि आप लोगों ने हमारी अयोध्या को इतना महत्व दिया है। अयोध्या के लोग धन्यवाद अदा करते हैं प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने आके भूमि पूजन किया और हम लोग को यह शुभ अवसर दिया। कौशल ब्रदर्स, मैं आपके पास आऊंगी, इतने सालों का इंतजार अब खत्म हुआ है, भूमि पूजन हो चुका है, कई पीढ़ियां हमारी गुजर गई और हम काफी भाग्यशाली हैं जो हमने अपनी आंखों से इस घड़ी को देखा, इस शुभ घड़ी को देखा, भूमि पूजन को अपनी आंखों से हमने देखा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, हम कहेंगे कि हम विटनेस हैं इस बहुत बड़े जो आज महोत्सव हुआ उसका, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी जनरेशन में जाके ये हुआ है और हमने अपने आंखों से देखा, आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह सकते हैं, जो हर जगह इतना हर्षोल्लास है, हर जगह मैं देख रहा हूँ टीवी चैनल पर, सोशल मीडियाज पर इतना ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स जो कह सकते हैं वो आ रही है, इतनी खुशी हो रही है, हर एक बच्चे के अंदर आज इतना उत्साह है, हर किसी को पता है कि राम मंदिर में ईंट रखी गई है हमारे माननीय मुख्यमंत्री सॉरी प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो बहुत ही खुशी का और हर्ष का आज समय है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पर आकर और इतना अच्छे से सब हो रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जुड़े रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।